नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू, जिसमें हम आपको अलग अलग फील्ड में जो बड़े लोग हैं, जिनकी अपनी राय है, जिनकी राय पर देश चलता है, ऐसे लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने आपके रूबरू रखा है। आज जिस शख्सियत से हम मिलवा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेनाउंड शख्सियत है। आपका नाम है स्वामी अग्निवेश जी। ये आर्य समाज जो मूवमेंट है उसके स्पोक्स पर्सन और नेता कहे जाते हैं, और राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड आपको मिला है। इसके अलावा राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड, जिसको अल्टरनेटिव नोबल अवार्ड भी कहा जाता है, वो आपको मिला है। यूनाइटेड नेशन की जो ट्रस्ट है कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी के अगेंस्ट, उसके भी आप चेयरमैन रहे हैं, और दुनिया भर में भ्रमण किया है, दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है। आपसे स्वामी अग्निवेश जी, आपका खैर मकदम है, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर, आपने समय निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि जिस तरह से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हटाया गया और दो यूनियन टेरिटरीज़ में उसको अलग अलग करने की बात कही गई, उसमें शायद धर्म का भी ख्याल रखा गया या बताया गया इस तरह से, तो और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से उस पर रिएक्शन आ रहा है, ख़ास तौर पर जिस तरह से ऐलान घोषणा से पहले वहाँ के लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, वहाँ के नेताओं को बंद कर दिया गया, ऐसी सूरत में ये कहा जाना कि कश्मीरी बहुत खुश हैं, आपकी नज़र में क्या है ये फैसला, और उसके बाद जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा अहमद काजमी जी, पहले तो मैं आपको मुबारक दूं, आपका ये जो प्रयास है, चैनल है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा, मैं भी देखता रहता हूँ। दूसरी बात है कि ये जो सरकार हमारी नरेंद्र मोदी जी की, इसका जो पहला कार्यकाल था उसमें देखिए कि उन्होंने हमारे मुफ्ती साहब के साथ और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई जी। उनकी पार्टी पीडीपी का साफ स्टैंड था 370 नहीं हटेगा, 35 ए नहीं हटेगा, और इसके ऊपर पूरी तरह उन्होंने अपने पे कायम रहते हुए, और बीजेपी ने उनके साथ सरकार बनाई, मिल करके चलाई लगभग 3 साल से ज़्यादा, और फिर अचानक एक दिन उसको तोड़ दिया, बंद कर दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि जब आपका 370 के प्रति शुरू से इतनी ज़बरदस्त आपकी वो थी घोषणा, सारे आज तक कहते हैं हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, तो फिर आपने ये समझौता क्यों किया? क्या ये अवसरवादिता नहीं, अपॉर्चुनिज्म नहीं है नंबर एक? और उस समय सरकार में रहते हुए आप, कश्मीर की पूरी सरकार थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब कुछ आपके हाथ में था, तब आप प्रस्ताव लाते, आपके पास पार्लियामेंट में भी था और आपके पास असेंबली भी थी, सब कुछ था, उस समय तो आपने साहस दिखाया नहीं जरा भी। और अब जा कर के आप एक तरह जिसको कहा जाए चोर दरवाजे से, माफ़ करना ये शब्द ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 दिन पहले आप वहाँ जब सेना भिजवा रहे हैं 45,000 50,000, तो बताया जा रहा है कि वो अमरनाथ के जो तीर्थ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, और इनको कहीं से वो इनपुट मिला है कि पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स हैं वो हमला करने जा रहे हैं। अब ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? और 2 दिन में ही आपने ये भी फैसला ले लिया कि अमरनाथ के तीर्थयात्री जल्दी से जल्दी खाली कर दें कश्मीर की घाटी को, हैं? तो आपने उनकी सुरक्षा के लिए फ़ौज पहुंचा दी वहाँ, तो फिर उसके बाद क्यों खाली करवा रहे हो उनसे? यात्रा होती रहती, वो सब भी नहीं। गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी बार बार अपने बयान से ये बोल रहे हैं कि न 370 हटेगा न 35 ये हटेगा। अब ये दोनों बातों की जिम्मेदारी जो सेंट्रल रूल है, गवर्नर का मतलब है यहाँ केंद्र का प्रतिनिधि, अर्थात नरेंद्र मोदी जी का एक प्रतिनिधि बोल रहा है, या तो आप उसको कहते भाई तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, या अब आपने उसकी भी खराब कर दी इज्जत।
ये सारी परिस्थितियाँ, उसके बाद आज ये बात कहना कि भाई इससे बहुत खुशहाली आ जाएगी, बड़ा स्वागत होगा, तो फिर आप देश के साथ एकता हो जाएगी, देश के साथ एकता हो जाएगी और आप सब कुछ दावे जो कर रहे हैं इसकी जो पृष्ठभूमि आपने बनाई, तो वहाँ तो आपने सारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया, चुनी हुई पार्टियाँ जो उनके नेता बाकायदे शुरू दिन से ही हिंदुस्तान के साथ अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं, ऐसी पार्टियों के नेताओं को आपने जेल में डाल, एक तरह से घर में नज़रबंद कर दिया, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अभी लैंडलाइन कल से, आज से शुरू की है, कल सोमवार से वो कह रहे हैं कि हम वो स्कूल भी खोल देंगे आदि आदि, लेकिन शुरू में 5 तारीख से लेकर और आज तक ये जो सब कुछ वहाँ पर दहशत का माहौल बनाया, इसकी क्या ज़रूरत थी? जब उनके फ़ायदे के लिए हो रहा था तो उनको विश्वास में लेते। नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो दूसरा कार्यकाल शुरू किया उसमें अपने नारे में एक बात जोड़ी, पहले था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके विकास में कहीं ना कहीं कहीं विश्वास पूरा नहीं हो रहा था, खास करके माइनॉरिटीज़ का, और ये उनको अच्छी तरह से पता था कि हिंदुस्तान का मुसलमान आमतौर से विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सबका विकास होगा, सबका साथ होगा, तो उन्होंने अपने नारे में जानबूझ करके एक नई चीज़ जोड़ी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जब आपने सबका विश्वास का नारा, आपका बुनियादी तौर पे एक नया अप्रोच था, तो सबको विश्वास में ले लिया होता और फिर आराम से लाए होते। तो ये जो बातें हैं सरकार की तरफ से कहिए, बीजेपी की तरफ से कहिए, ये ऐसी रही जैसे कोई चालाकी की जा रही है। हाँ, एक दूसरे दरवाजे से चुपचाप आप उसको प्रेसिडेंशियल वो ले लेते हैं और फिर उसको ऐसे दिखा देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रिवाइव ही नहीं हो सकती अब, और उसके सारे जो कुछ दांव पेच थे उनको आपने ख़त्म कर दिया और अचानक अपनी मेजॉरिटी लेके और आपने उनको मैनिपुलेट किया अपोजिशन के भी लोगों को। अच्छा, कुछ लोग एक तरह से ये असेसमेंट लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात इसराइल से बहुत नज़दीक हैं और कश्मीर को एक फिलिस्तीन बनाने की कोशिश हो रही है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि कोसोवो नहीं बनने देंगे, तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल है इसमें, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जिस नए तरीके से लोगों को घरों में बंद करके उनके ऊपर एक कानून बाकायदा लादने की जो कोशिश की गई है, जैसा कि आपने बताया, इसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को कैसा सामना करना पड़ेगा? आखिर इसको किस तरह से हम बताएंगे? ये बात कही जा रही है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये बात इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इंटरनल मामला, लेकिन स्टेटस बदल गया है, जो पहले स्टेटस था उसको एक तरह से कानूनी स्टेटस बदला है। इसको आप कैसा महसूस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को कैसा आगे सामना होगा? देखिए कि जहाँ तक 370, वो पहले ही कांग्रेस की हुकूमतों ने नेहरू जी के समय से ही और इतना डाइल्यूट कर दिया था और सारे पार्लियामेंट के कानून और सब कुछ चीज़ें चल रही थी, समय समय पर नाम मात्र के लिए रह गया था कि वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और एक अलग उनका झंडा है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज पूरी तरीके से वो केंद्र का ही और पूरा एक चल रहा था। जब चाहते थे वो हटा देते थे चीफ मिनिस्टर को, ये तब भी दौर देखा हम लोगों ने, चुनाव भी होते थे तो नकली होते थे, तो उस दौर के लिए तो उस समय नरेंद्र मोदी या बीजेपी नहीं थे, उस समय तो कांग्रेस थी, ये सब लोग भी जिम्मेदार हैं कि जब उन्होंने उसके स्पेशल स्टेटस को नहीं रहने दिया, अच्छा या बुरा इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। जी, अब रह गया 35A, जिसके तहत आपको अभी भी, आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, यदि आपने वहाँ पर जैसे तिब्बत में चाइना ने कोशिश की है अपने लोगों को ले जा करके बसा करके डेमोग्राफिक पूरा चेंज कर देने का, अब आप बिजनेस वालों को ले जाएंगे, कॉरपोरेट हाउसेस को, अंबानी जी भी कह रहे हैं कुछ, ये तो इसमें आपको सतर्क रहना पड़ेगा,
आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में आपने अपने आप को एक बना लिया, एक रास्ता निकाल लिया। जो बहस चली है उसमें किसी बड़े देश ने उनका साथ दिया नहीं, पाकिस्तान का, और फिर वो डिस्कशन अंदरूनी एक रह करके। तो ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि एक फेथ एकम्पली जैसे हो गई और उसको आपने अचीवमेंट के तौर पर अपना गिना सकते हो कि देखिए आज हमारी डिप्लोमेटिक जीत हो गई है पूरी दुनिया के नज़रों में और सब लोग हमारा लोहा मान रहे हैं। और कोई बड़ा देश, और चाइना भी बोल रहा है तो इतने सख्ती से नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा कर रहा है। तो आज स्थिति ये बन गई है कि आपने जो किया वो उसकी स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक लेवल पर आपने कानूनी ढंग से या जो भी उसको बनवा लिया। अब उसके बाद ज़रूरत इस बात की है कि आप सचमुच में लोगों का दिल जीतिए। जी, मैं वही सवाल करने वाला दिल था। नहीं जीतेंगे तो क्या है कि वो एक एलियनेशन को पैदा करेगा। एलियनेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं दूर तक वो अपना घाव जो है वो और हरा होता जाता है। उनको ऐसा ना लगे कि आपने उनके साथ धोखेबाजी की, ठीक है ना, कि भाई आपको करना था तो विश्वास में लेके करते, उनके फायदे में करते और फायदा पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता। तो पहली शर्त तो ये है कि आप 35A को इस तरह इस्तेमाल मत कीजिएगा कि ताकि वहाँ पर आप इधर से ले जाके लोगों को बसाना शुरू कर दीजिए या कश्मीरी लड़कियों को इधर ला करके शादी करवाना शुरू कर दीजिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का एक उनको एहसास होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको ये जानना होगा कि जो 370 था उसकी एक बहुत बड़ी देन हुई, बहुत बड़ी, जो पूरे हिंदुस्तान में हम जो काम नहीं कर सके 1947 या 51-52 के बाद, जो लैंड रिफॉर्म का एजेंडा हमारी सरकारों ने, कांग्रेस ने नेहरू जी के टाइम से उठाया, वो हम नहीं लागू कर पाए। लेकिन कश्मीर में शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने वो काम करके दिखाया। एक एक भूमिहीन मजदूर को, ये डोगरा लोगों की सारी की सारी, और कश्मीरी पंडितों का कब्जा था सारी ज़मीनों पर, ठीक है ना। और यदि 370 ना होता तो वो लागू नहीं हो पाता लैंड रिफॉर्म। मैं कहता हूँ, मेरा दिल तो गरीब के लिए है, मैं बंधुआ मजदूरों की मुक्ति की लड़ाई लड़ता हूँ और उनकी मुक्ति का सबसे बढ़िया काम है उनको ज़मीन का हक दिलाओ, ठीक है। अब ये हक दिलाने का काम जिस खूबी के साथ, जिस तेज़ी के साथ कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने किया, मेरा माथा उनके सामने झुकता है। लेकिन अब तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि बाहर से लोगों को ले जाकर के ज़मीनें खरीदवाई जाएंगी, उसका एक तरह से रिवर्सल होने के की आहट महसूस हो रही है। ये गलत होगा, उसमें ये मैसेज गलत जाएगा। और मैं यही कह रहा हूँ, आप कानूनी दांव पेच में तो जीत सकते हैं या अपना काम सफाई से करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कोई बाहर की ताकतें आपको नहीं बोलेंगी, लेकिन वहाँ की आवाम के दिलों में यदि घाव आप गहरा करते जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो क्या इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, देखो अहमद कादमी साहब, हमारे लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। उन्होंने कहा इंसानियत के दायरे में, नंबर एक, जमहूरियत के दायरे में, और उससे भी बड़ी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात कही कश्मीरियत। अब वो कश्मीरियत क्या चीज़ है? कश्मीरियत एक नायाब तोहफा है पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए मैं कहूँगा। वहाँ आपको नहीं लगता कि वो इस्लाम है जिस इस्लाम को हम वहाबी या दूसरे ढंग से जानते हैं? ठीक है, कुछ वहाबी तत्व वहाँ पर सक्रिय होते हैं, लेकिन आम तौर से आम कश्मीरी जो है वो नंद ऋषि की परंपरा में है और वो पूरी तरीके से एक मिलीजुली सूफी सूफियाना जो उनकी संस्कृति तहजीब है वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे, उनके नाम से पता ही नहीं लगता कि वो मुसलमान है कि पंडित हैं। मोहम्मद शफी पंडित साहब जो वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन रहे, मैं उनके घर पे भी रुका हूँ, वो पंडित भी है उनके नाम के साथ और वो मोहम्मद शफी भी है। एक ऐसे हजारों हजारों हैं, हम भट्ट कह देते हैं तो हिंदू हो जाता है, भट्ट कह देते हैं तो वो मुस्लिम हो जाता है। अब ये जो मिली जुली एक संस्कृति थी,
जिसको हम गंगा जमनी बोलते हैं बाकी देश में, लेकिन वहाँ तो उस धरती की उपज थी और वो एक इतनी ऊंची चीज़ है जिसको पूरी दुनिया को आज ज़रूरत है। अच्छा, आप उसके ऊपर यदि कोई चोट करेंगे, मिलावट करके लोगों को इधर से उधर ले जा करके कट्टरपंथियों को बसा देंगे किसी बहाने से, तो कश्मीरियत का पौधा सूख जाएगा और उसका बहुत नुकसान पूरी इंसानियत को होगा। आमतौर पे एक बात कही जा रही है कि जो कश्मीर से पंडित बाहर आए थे, दूसरे राज्यों में जाकर के बसे थे, जिन हालात में वहाँ से कश्मीरियों ने पलायन किया था, छोड़ा था, वो एक बहुत ही बहुत से लोगों की नज़र में बड़ा ड्यूबियस था जब जगमोहन जी वहाँ पर गवर्नर थे, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से वहाँ के लोकल लोगों पर, मुसलमानों पर डाल कर के देखा जाता रहा है। उसको आप किस तरह से देखते हैं, वो क्या था, मतलब आपने तो एक लंबे अरसे से सारे हालात पे आपकी नज़र है। नहीं, मैं तो पहले भी महसूस करता हूँ, आज भी महसूस करता हूँ, वहाँ के आम कश्मीरी मुसलमानों ने खुले दिल से कश्मीरी पंडितों को अपने बीच में बसने के लिए कहा और कहा कि जो तकलीफ़ या अच्छी बुरी बात है, सुख दुख, वो हम लोग मिल करके उसको वो करेंगे। मुझे याद है कि कुछ साल पहले शुरू शुरू में जब पहली इनकी सरकार बनी थी, तो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि हम उनके लिए कश्मीरी पंडित अलग से कॉलोनी बनवाएंगे, उनको सुरक्षा देंगे। तब भी मैंने ये बयान दिया, बल्कि श्रीनगर के लाल चौक के पास बैठ करके कहा था कि आप कॉलोनी में बसा तो देंगे, लेकिन क्या वो लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, क्या स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे उनके बच्चे, अस्पताल नहीं जाएंगे, आप पूरे माहौल को कैसे बदल देंगे। कॉलोनी कॉलोनी तो सुरक्षित हो गई, बाकी वो कैसे करेंगे। इसलिए ये बिल्कुल मत कीजिए, और वहाँ के कश्मीरी पंडितों का स्वागत करने के लिए वहाँ के मुसलमान शुरू दिन से तैयार है। जो घटना घटी जगमोहन सिंह की, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा और सब चाहते हैं अब जो कुछ हुआ है बीच में उसको थोड़ा ठीक करके, भुला करके भी, और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह यदि कहीं है तो उसकी फिर से कश्मीरी पंडितों को निश्चित रूप से बसाया जाए। अभी कश्मीरी पंडितों पर निर्भर करता है, वो सचमुच में जाना चाहते हैं या केवल शोर मचाना चाह रहे हैं। जी जी। बहुत से लोग जो उस समय छोड़ के आ गए, मजबूरी में आ गए, तंबुओं में रहते थे, मैं जम्मू गया था, इनसे मिला वाला था उस समय बहुत पहले तो, लेकिन अब उनसे पूछते हैं, हमें कई बार मिलते हैं, कहते हैं नहीं बाबा, अब हम बाहर बहुत अच्छे हैं, है ना, अच्छे अच्छे पोजीशन पर आ गए हैं, पढ़े लिखे और आगे बढ़ गए हैं। नहीं, लेकिन फिर भी हमें पूरा मौका उनको देना चाहिए, और मुझे लगता है कि वहाँ का समाज, वहाँ सिख लोग रह रहे हैं और वो पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, वो पंडित नहीं है और वहाँ रचे बसे हुए हैं, दूसरे लोग भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी रह रहे हैं। तो इस तरीके से यदि हम कश्मीर को सबकी मिलीजुली संस्कृति का, साझा संस्कृति का एक वो बनाए, नमूना बनाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज कश्मीरी पंडितों को सचमुच में वहाँ ओपन आर्म्स के साथ, खुले दिल के साथ लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी अग्निवेश जी, आपने जिस तरह से बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताई, जिस तरह से मीडिया दूसरा रंग देता है कि वहाँ से मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, आपने चूँकि ग्राउंड पे चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, जिस तरह से आपने बताया, ये मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एकता की बात करने के लिए आप एक तरह से प्रतीक हैं एकता के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की बात जनता तक पहुँचनी चाहिए, और दर्शकों को ये जान कर के हैरत होगी कि आप मुसलमानों में या हिंदुओं में या दूसरे मज़हब, सभी मज़हबों के लोगों में आप बराबर लोकप्रिय हैं, क्योंकि आप इंसानियत की बात करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।